शाहरुख खान का आर्यन खान की गिरफ्तारी पर छलका दर्द। शाहरुख ने कहा, काफी मुश्किल समय था, टूट चुके थे शाहरुख खान। बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान ने साल 2023 में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। उनके साल 2023 में एक के बाद एक तीन फिल्में हिट हुई। इन तीनों ही फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर कई नए रिकॉर्ड्स बना दिए। साल 2023 में शाहरुख पठान, जवान और डंकी जैसी फिल्मों के साथ लोगों के बीच आए थे। इन तीनों फिल्मों से सफल होने के बाद किंग खान काफी सुर्खियों में है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब माना जा रहा था कि शाहरुख खान का दौर खत्म हो गया है। इसी बीच शाहरुख ने अपने मुश्किल दिनों को लेकर काफी कुछ बोला है, जिसे आर्यन खान की गिरफ्तारी से भी जोड़ा जा रहा है। बता दें कि बॉलीवुड के किंग खान को 2023 से पहले एक हिट फिल्म की तलाश थी, जिसके लिए SRK को काफी समय तक वेट करना पड़ा था। इन्हीं मुश्किल दिनों में शाहरुख के बेटे आर्यन खान की भी गिरफ्तारी हो गई थी। इन सबको लेकर अब किंग खान ने अपना रिएक्शन दिया है। अभी हाल ही में शाहरुख को लगातार तीन फिल्में हिट देने के बाद CNN न्यूज 18 इंडियन ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा गया। इस अवार्ड को लेने के बाद बॉलीवुड के बाजीगर ने अपने मुश्किल दिनों को याद किया। उन्होंने कहा कि पिछले 4-5 साल काफी परेशानी भरे रहे, मेरी एक के बाद एक फिल्में फ्लॉप जा रही थी। इसके अलावा मेरी पर्सनल लाइफ में काफी दिक्कतें आई, इन सब ने मुझे और भी ज्यादा मजबूत बना दिया और लाइफ ने मुझे बहुत बड़ी सीख दी। मैं शांत रहा और बहुत मेहनत की। वहीं शाहरुख के इस बयान को उनके बेटे आर्यन की गिरफ्तारी से जोड़कर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि आर्यन खान के ड्रग्स केस में गिरफ्तारी हुई थी, इसके चलते उन्हें जेल में भी रहना पड़ा था। इस दौर में किंग खान काफी परेशान हो गए थे। ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए FIR Talk को भी सब्सक्राइब करें।